मायावती को। मायावती को वोट क्यों दे रहे हैं? क्यों मका दिगर यादव 60 साल से देख रही, कोई सरकार ने कुछ नहीं किया, आज पहली दफे उसी ने हमें छत्तर छाया दिया और उसी के मकान में रह रहे, हम तो उसी की निभाएंगे। जब से बहन जी थी सरकार थी उनकी, तो नल आते थे 3 मंजिल तक, ना 3 मंजिल तक नल आ रहे अब है, और लाइट है तो लाइट चोरी से जम सी जल रही, यहाँ पे ऐसा हो रही जो भर रहे बिल, बे मरे जा रहे हैं। हम तो मायावती को देख कर तो आप सब लोग आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। साथियों मैं आपको बता दूं वर्ष 2022 में होने वाले आम चुनाव को लेकर बुंदेलखंड की कवरेज पर हूं और इस वक्त मैं झांसी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर करारी गांव पर हूं, जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा जो है माननीय कांशीराम साहब आवास बनाए गए थे, उन आवास को लेकर आज मैं कवरेज करने के लिए आया हूं। और यहां पर तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा जो आवास बनाए गए थे उनमें आज जो लोग रह रहे हैं वो किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से वो रह रहे हैं, इन तमाम चीज़ों पर उनसे चर्चा करेंगे। चुनाव को लेकर भी उनसे चर्चा करेंगे, आखिर 22 में होने वाले चुनाव में वो किसके साथ जाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ मकान दिखा दे रहा हूँ, थोड़े से आप कैमरा इधर को कर लीजिए, इधर आप पीछे जिस तरफ को भी आपकी नज़र जाएगी, जिस तरफ को भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको जो है माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत बने हुए मकान आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वही मकान है जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उस समय बनाए थे जब उनकी सरकार 2007 में पूर्ण बहुमत की आई थी। जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे देखिए, उस तरफ आपको जो है माननीय कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत हजारों गरीबों को जो है मुफ्त में मकान दिए गए थे। अब चलिए हम लोगों से कुछ जानकारी ले लेते हैं। हमारे यहाँ मीटर लगा हमारे यहाँ, और हमारा कुछ तो है नहीं है, एक पंखा चलता, उसमें 3000 बिल रख रहा है, गरीब आदमी विकलांग आदमी कहाँ से भर रहे हैं बता, बच्चा साथ नहीं दे रहे, हम क्या करें कैसे भरें। यहाँ कभी कभी पार्षद आता है? पार्षद को जानते नहीं, जानते ही नहीं, कौन सा पार्षद है हम जानते ही नहीं, अभी तक नहीं देखो पार्षद। खाना जो खाना है जो हमें पिछली बार जो बहन जी ने बटवाती खाना हमें, पूजा बहन जी। और हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला है, इनसे भी थोड़ा पूछ ले। अम्मा 2022 में होने वाले चुनाव में किसको वोट दे रहे हैं? हम तो मायावती को दे की, हम दूसरे को का दे अखिलेश। मतलब मायावती ने आपको घर दिए तो आप उन्हें वोट देंगे? का नहीं देंगे, अखिलेश ने हमें पेंसिल दी जी, और योगी ने हमें कहा था भूखन मारो, बल्कि हम लोग लेन चले भीख मांगा, फिर लेन लगा के रोटी और डिब्बा सब्जी मांगी है। अगर ये पूजा ना होती तो हम लोगों की तो कोई सुनवाई ही नहीं आती। तो देखिए बुजुर्ग महिला का साफ तौर पर कहना है हम मायावती को वोट देंगे, तो मायावती को वोट क्यों देंगे? क्योंकि उन्होंने हमें घर दिया है, उन्होंने हमें छत्र छाया दी है। ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जब उत्तर प्रदेश की सीएम हुआ करती थी उस समय ये शहरी आवास योजना मानवर साहब के नाम से बनाई गई थी। और जिस तरफ भी आप नज़र घुमाएंगे, देखिए लगता है जैसे हम बहुत बड़ी सिटी में आ गए हैं, एक से एक शानदार फ्लैट बने हुए हैं। और लोगों से भी हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, इनकी राय ले रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आम चुनाव 2022 में ये किसकी सरकार देखना चाहते हैं। मानवर कांशीराम शहरी आवास कॉलोनी में तमाम लोगों से उत्तर प्रदेश में होने वाले आम चुनाव 2020 को लेकर कवरेज कर रहे हैं और तमाम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्ष 2022 में होने वाले आम चुनाव में वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। हमारे साथ एक पर्सन इनसे पूछे, आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं 2022? मायावती को आप मुख्यमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? अच्छा काम करती है। ऐसा कौन सा अच्छा काम बताएंगे? इनकी जायदाद में रहते हैं जी, मतलब मानवर कांशीराम आवास में। तो देखिए ये मानवर कांशीराम आवास में रहते हैं, आप कब से रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल जी। ये अब हम कुछ महिलाओं से जान ले रहे हैं। अम्मा मुझे ये बताइए, मायावती ने जब ये आवास बनाए थे उसके बाद इन आवासों की देखरेख होती है कभी? नहीं होती, कुछ नहीं हो रही जी, नहीं कुछ नहीं हो रही, ऐसे ही डले सब फूट फाट रहे हैं, सब हो रहा है ऐसे ही, कुछ नहीं हो रहा, देखा वाली झाड़ू तक नहीं लगती ढंग से। झाड़ू कितने कितने दिन में? एक दिन लग रही है? 8-8 दिन में झाड़ू लगती, जब भी बुलाती हैं, जब यहीं आते हैं, एक मैन मैन चोरा झाड़ते हैं और वहीं की वीडियो बना ले जाते हैं, और इधर हम लोगों तरफ आते नहीं लोग, हाँ जमादार भी नहीं आते हैं। तो अब वर्ष 2022 में चुनाव होने वाला है, चुनाव में आप किसको वोट करने वाले हैं? बहन जी को करेंगे जिसके मकान में रह रहे हैं, मतलब बहन जी द्वारा जो मकान दिया गया उसके बदले वोट दे रहे हैं। वो मकान ने बना, उसने दिए थे, वही वो करवाएगी सुविधा, वही प्लास्टर करवाएगी, वही पुतवाएगी, उसी को देंगे। अम्मा आप किसे वोट दे रहे हैं?
मायावती बहन जी को किस लिए देना है? इसलिए कि बेचारी ने हम गरीबों के लिए मकान तो दिया है, हम गरीबों के लिए इतनी सुविधा की गई थी, मगर अब कोई ना देख रेख हो रही, ना कोई सुविधा देखने वाला आ रहा, ना कोई वाला, और झाड़ू वाले भी एक एक तो मैंने नहीं आती, यहाँ अपने हाथों से करते हैं, पानी भी नहीं आता, पानी भी एक एक हफ्ते पानी नहीं आता है, बहुत परेशानी, बहुत परेशान रहते हैं हम लोग, विकलांग लोग हैं जो, तो ऊपर इतने ऊपर तीसरी मंजिल पानी चढ़ पाती है, बहुत मुश्किल। तो देखिए, महिला हो चाहे बुजुर्ग हो, सभी के सभी परेशान हैं और चाहते हैं एक बार उनकी परेशानी का, जो समस्या का समाधान हो, और उसके लिए बहन जी आए, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती की 2007 में सरकार बनी थी, उसके बाद उन्हें आवास मिला था, बेहतर बिजली, बेहतर पानी मिला था, यही उम्मीद एक बार फिर से है कि उन्हें फिर से वही सुविधाएं मिले। और कुछ युवा है हमारे साथ, इनसे भी थोड़ी इनकी राय ले रहे हैं कि बस 2022 के चुनाव को लेकर इनकी राय क्या। हमारे साथ भैया अपना आपसे जानना चाहूंगा, बस 2022 का चुनाव है, जिस तरह से गुंडाराज खत्म, जिस तरह से अभी हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश में जो अभी चुनाव हुए, उसमें आपने कई जगह दंगे जैसे हालात, आप अगर मोबाइल चलाते हो वीडियो देखोगे, तो क्या उसी कानून व्यवस्था से परेशान होकर एक अच्छी व्यवस्था लाने के लिए मायावती बोल रहे हैं? जी, बस यही वजह है जी। तो देखिए, ये सवाल मैंने इनसे नहीं पूछा, लेकिन इन्होंने खुद कहा कि मायावती को सिर्फ इसलिए लेके आना चाहते हैं ताकि कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त हो सके, क्योंकि जब मायावती की सरकार आती है तो प्रदेश में जो है कानून का राज स्थापित होता है। तो अभी जब हम तमाम लोगों से सवाल जवाब कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय ले रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बस 2022 में होने वाले चुनाव, वो किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं और किसको वोट करना चाहते हैं, तो हमारे साथ एक भैया और हैं जो कि यहाँ पे वेज बिरयानी का ठेला लगाए हुए हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। भैया जी, बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ भैया जी, 2022 में होने वाले चुनाव में आप किसको वोट कर रहे हैं? मायावती को देंगे, मायावती की आगे की बहुत विकास किया है कॉलोनी में, यहाँ हर जगह कर रहा है उत्तर प्रदेश में, पूरी उत्तर प्रदेश में, तो मायावती को दिया जाएगा बिल्कुल जी। तो देखिए, ये वेज बिरयानी का ठेला लगाते हैं एक साथी हैं, जब इनसे हमने पूछा कि ये किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो इनका साफ तौर पर कहना था मायावती को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, और उसका कारण है कि उन्होंने जो विकास बहुत किया है। एक महिला है, उनसे और जान ले रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा, अगले जो चुनाव होना है 2022 में, आप किसे वोट कर रहे हैं? जो हमारा पब्लिक का साथ देगी उसी को देंगे। तो पब्लिक का साथ अभी कौन दे रहा है आपका? पब्लिक का साथ अब जैसे कि पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती जी, तो उन्होंने मकान बना के दिए थे, अब वो जीती नहीं है, जीतती तो कुछ करते, अब यहाँ पर जैसे सड़क की समस्या तो डल गई, पर नाली साफ नहीं हो रही है, पर यहाँ पर मतलब पारकार की मतलब रेल नहीं लगी है, और नल नियमित रूप से नहीं आ रहा है, ब्रिज बन जाए, मतलब लोगों को दिक्कत हो रही है जे, मतलब इस तरह से अगर वो जीतती तो होता, और दूसरी पार्टी ने अभी कुछ किया नहीं है, इस तरह से कुछ उस तरह का लाभ मिले तो मतलब आप वोट तो गुप्त रहता है जी, हम किसी को भी दे सकते नहीं, ये तो आपकी राय है, वोट गुप्त रहता है। तो आपको ये उम्मीद है कि जैसे मायावती जी की सरकार फिर से आती है, अगर वो पहले जीतती तो कुछ करती, वो निश्चित हम लोगों को रोजगार देती, अब हमारी ओवर एज हो गई, अगर वो जीतती तो हमें निश्चित रूप से रोजगार मिलता, कोई जॉब मिलती, जॉब मंत्री किसको, ओवर एज हो गई, तो मुख्यमंत्री के रूप में आपको से देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रूप से फिर से मायावती। तो देखिए, महिलाओं की पहली पसंद मायावती बनी है, इस बार किसको वोट दे रहे हैं? मायावती। मायावती को वोट क्यों दे रहे हैं? क्यों का दिगर इसलिए वोट दे रहे हैं? इसलिए वोट दे रहे हैं। तो लगता है मायावती की सरकार बनेगी इस बार? क्यों नहीं बनेगी, देगी तो बनेगी, और नहीं देगी तो क्या बनेगी, जो चंदुड़ी मर रही भूख है। योगी जी को वोट क्यों नहीं देना चाहते? अब का क्या दे, कौन से मारे, योगी जी से मारे थे, मोदी जी से मारे, कौन से मारे, घूम रहे हैं। तो हमें एक महिला पर नजर पड़ती है जो कि अंडे का ठेला लगाकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। अब हम इनसे भी जानकारी ले ले रहे हैं, बस 2022 में होने वाले चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? हम तो मायावती को देंगे वोट, उन्हीं को देती आए और उन्हीं को चाहते हैं कि वो यहाँ। मायावती को आप मुख्यमंत्री क्यों देखना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने हमें मकान दिया रहने को, किराए के घरों में रहती थी अकेले, अब ये है कि रोजी रोटी बच्चों को छू लेंगे, ना नौकरी ना चाकरी, योगी सरकार को वोट क्यों नहीं देना चाहते? नहीं, उन्हें तो नहीं देंगे, क्यों कभी नहीं देंगे, ना अभी दिए ना देंगे जी।
अखिलेश के बारे में आप किस प्रकार से सोचते हैं? मेला सुरक्षा अब अखिलेश के बारे में तो ये है कि हम लोग तो हमें जिनने घर दिया हम तो उनको चुनते उन्हीं को देंगे वो जी। तो देखिए साफ तौर पर महिलाओं को कहना है जिसने हमें घर दिया, जिसने झुग्गी झोपड़ी दी, जिसने सर पर छत दी, हम जी किराए के घर में रहते थे और जिन्होंने हमें घर दिया, हमारे सर पर छत दी, हम उसको वोट देंगे। कुछ और महिलाएं इनसे भी थोड़ी जानकारी ले रहे हैं। अम्मा आप इस कॉलोनी में कब से रह रही हैं? मुझे 10 साल हो गई रहती रहती जी। बस 2022 में चुनाव आ रहा है तो चुनाव में आप किसे वोट करेंगे? किसे देंगे? जिसने मुझे छत्र छाया दी उसी को दूंगी मैं तो। छत्र छाया किसने दी? मायावती ने, मायावती ने घर दिया तो उन्हीं को वोट देंगे। मैं तो झांसी की रहने वाली हूँ, 60 साल की हो गई, मैं तो 60 साल से देख रही कोई सरकार ने कुछ नहीं किया, आज पहली दफे उसी ने हमें छत्र छाया दिया और उसी के मकान में रह रहे, हम तो उसी की निभाएंगे, हम तो उसी की निभाएंगे। और जब से उसकी सरकार गई, जब से कोई सब समस्या हल इधर वो हो गई बेकार, पूरी इतनी समस्या बेकार हो गई कि हम क्या बताएं। कोई सरकार नहीं सुनती है, ना कोई नेता आती है, जब वोटों का टाइम आता है तो दुनिया के नेता आते हैं इधर घूमने, वैसे कोई नहीं पूछता कि तुम मर रहे हैं कि जी रहे हैं। जैसे मायावती की सरकार जैसे ही गई, क्या क्या समस्या है यहाँ पे आ गई? यहाँ पे जो समस्या है, जब से बहन जी थी सरकार थी उनकी, तो नल आते थे 3 मंजिल तक, ना 3 मंजिल तक नल आ रहे अब है, और लाइट है तो लाइट चोरी से जम से जल रही, यहाँ पे ऐसा हो रही जो भर रहे बिल बे मरे जा रहा है दे और का नाम कोई ना थे, लाइट का साधन जंगल, जंगल राज हो गया, पार्क डरे टूटे फूटे, कोई सरकार नहीं सुनती है, और गुंडागिरती होती दम से, मार धाड़ होती यहाँ पे खूब दम से, सब ऐसे ही बिल्कुल बेकार माहौल हो गया जब से उसकी सरकार गई। तो आपको क्या लगता था जब मायावती की सरकार थी? बहुत तो अच्छा सुरक्षा थी, महिलाओं की सुरक्षा थी, अब नहीं है? पुलिस की चौकी थी, सब कुछ था यहाँ, बहुत सुरक्षा था, लेकिन अब कुछ सुरक्षा नहीं है दम से, इधर कोई ना पुलिस सुने ना कोई सुनती, और दम से मारा कूटिंग होते है रोजीना, कोई नहीं सुनता है, मेला सुरक्षा नहीं है ना कुछ सुरक्षा है। तो देखिए इनका साफ तौर पर कहना था जब मायावती की सरकार थी तो शासन प्रशासन ढंग से काम करता था, पुलिस प्रशासन ढंग से काम करता था, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार गई यहाँ पर जो समस्याओं की भरमार आ गई। से ये खास कवरेज आप देख रहे थे और ये कवरेज थी झांसी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर मानवर कांशीराम शहरी आवास योजना करारी की। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती द्वारा किए गए विकास कार्यों को आप किस प्रकार से देखते हैं और क्या उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।